अनंत, जहां तक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा कि भारत में ग्रोथ का पोटेंशियल है, क्षमता है, कहीं उन्होंने ये नहीं कहा है कि भारत में ग्रोथ हो रही है या होगी, पोटेंशियल है इससे कोई इंकार नहीं है। बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल्स के साथ इस गवर्नमेंट को जो है वो इकॉनमी मिली थी, तो इसलिए निश्चित रूप से वो पोटेंशियल जो तब भी था आज भी है वो बना हुआ है, उसको हम कितना एक्सप्लोर कर सके ये एक महत्वपूर्ण बात है। रही बात इकॉनमी में जीएसटी और नोटबंदी की, तो शायद आजाद हिंदुस्तान में पहली मर्तबा हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने, श्री प्रकाश पांडे जी जो है उन्होंने उत्तराखंड में देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के सामने जहर खा करके जान दी क्योंकि उनके ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया था। यह हालत है इस वक्त यहां के बिजनेस सेक्टर की। अभी तक की इस सरकार के आने के बाद न सिर्फ किसानों की सुसाइड रेट बढ़ रहा था बल्कि अब जो है वो जो बिजनेस क्लास है वो भी जहर खा करके अपनी जान दे रहा है, जो अपने आप में बहुत निंदनीय है और बहुत अफसोसजनक है और कहीं ना कहीं हमारी जो आर्थिक स्थितियां हैं उसके बारे में ये उजागर करता है। और ऐसा नहीं है कि ये निर्मूल हो। जीएसटी में कलेक्शन कम हुआ है जबकि जीएसटी के जरिए उम्मीद यदि कलेक्शन बढ़ेगा, लगातार कम होता चला जा रहा है। जो डेटा आया 2017-18 के ग्रोथ को लेकर के उस पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पहले ही प्रश्न चिन्ह लगाया है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सीएसओ है जो इसको तैयार करती है उनके ऊपर दबाव डाला गया है कि वो इस तरह के डेटा को दे। ये सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनका ये बात कहना है, ये कहीं बाहर से उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा है। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करें, देखिए एफडीआई आ रही है, वादा किया है, अलग बात है, जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स में पिछले 13 साल में इतना कम इन्वेस्टमेंट कभी भी भारत में नहीं हुआ है जितना इस वक्त हो रहा है। बैंक क्रेडिट की अगर हम बात करें, बैंक क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 63 साल का लोएस्ट इस वक्त बैंक ग्रोथ है, जो दिखा रहा है कि यहां पर जो व्यापारी हैं उनको आर्थिक विकास पर किसी प्रकार का कोई भी विश्वास नहीं है, उनको नहीं लगता है कि यहां किसी तरह का कोई इंडस्ट्रियल टैक्स की बात आपने की। मैं लौटूंगा डॉक्टर हिलाल नकवी, अपनी बात पूरी कीजिएगा जो है, बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं इसी मुद्दे पर आपको वापस लौटूंगा, पूरा कर ले वरना आधा रह जाएगा वो ठीक नहीं रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो लगातार गिरता चला जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार नीचे ग्रोथ आ रही है, आप कैसे कह सकते हैं कि इकॉनमी में किसी तरह का कुछ अच्छा हो रहा है? निश्चित से समझूंगा, लेकिन उससे पहले मैं योगेंद्र कपूर आपके पास आऊंगा। फिस्कल डेफिसिट है वो भी अपने आप में चिंता का विषय है, पिछले 15 महीने में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है, ये भी आपके सरकारी आंकड़े समझ